नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। भोपाल, भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने एनआईए से पूरे मामले को लेकर रामेश्वर शर्मा से पूछताछ की मांग की है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने जिन मदरसों में शिक्षा है वह सुरक्षित है, जिन मदरसों में देशद्रोही गतिविधियां संचालित होती है उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बयान देते हुए कहा कि अगर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के पास इस तरह की कोई बड़ी जानकारी है तो उन्हें इसकी जानकारी तुरंत जांच एजेंसी को देना चाहिए, और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एनआईए सहित अन्य जांच एजेंसियों को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए और जांच करनी चाहिए, जिससे अगर देश में कोई अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हों तो उन्हें रोका जा सके। होने लगी है देश में भी कई ऐसी जगह पर तोड़े भी जा रहे हैं मदरसे जहां पर अन्य प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली। देखिए, मदरसों से हमारी कोई एलर्जी नहीं है। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। मोदी जी की सरकार का सीधा है, हर जन को शिक्षा उपलब्ध हो, ये काम है। मदरसों में जहाँ शिक्षा है वहाँ मदरसे सुरक्षित है और उनको पूर्ण सहयोग है। जिन मदरसों में अगर देशद्रोही गतिविधियां संचालित होती हैं, आईएसआई के एजेंटों के कोई भाग चलाता है या भारत विरोधी ताकतें उन मदरसों के पर हावी हैं और वो भारत में भारत भक्त नहीं बल्कि भारत विरोध खड़ा करते हैं, जिन मदरसों में भारत विरोध होगा वो मदरसे हिंदुस्तान की किसी भी भूभाग में हो, आज नहीं तो कल सर्वे में भी आएंगे और तोड़े भी जाएंगे। जो लोग हैं, कई मदरसे को संचालित कर रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, ये सब बंद होना चाहिए। देखिए, शर्मा जी को न संविधान का ज्ञान है, ना उन्हें व्यवस्था का पता है। ये सारा काम जो है एनआईए का है, ये सारा काम जो है सीबीआई का है, ये सारा काम जो है उन एजेंसियों का है जिनके पास इनपुट होते हैं। अगर शर्मा जी के पास कोई इनपुट हैं तो वो एनआईए को इनपुट दें कि किन किन मदरसों में जो है आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं। वो जो है पेट में रखने की खबरें थोड़ी हैं और बयान देने की खबरें थोड़ी हैं। ये भी देश के साथ एक तरह की गद्दारी है कि आपके पास कोई क्लासिफाइड सूचना हो और आप देश की जांच एजेंसियों को ना देकर उस पर जो है केवल तानाकशी करते रहे। ये काम उनका है, उन्हें करना चाहिए, और अगर वो ये कर पाने में असमर्थ हैं तो उनने संवैधानिक पदों की कसम क्यों खाई थी। ये जो है सारे मदरसे हैं और ये मदरसे जो में कहीं पर अगर इस तरह की गतिविधियों की सूचना है तो उनको ये सूचना शासन को देनी चाहिए और उस पर बयानबाजी करके केवल सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बर्बाद करने के काम क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीतना है। आप प्रदेश में जो है गंदगी फैला के, जहर फैला के और केवल एक चुनाव लड़ने के लिए इस तरह के बयान देंगे। ये काम शासन का, प्रशासन का है, जांच एजेंसियों का है, वो जांच करें और उसके बाद जो लोग दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें जो भी दंड दिया जा सकता है वो दें। लेकिन इस पर केवल बयानबाजी करके कि लोगों को राम बॉक्स में खड़े करके अपने नंबर बढ़ाने का काम करने से ये देश का कल्याण नहीं कर रहा। जांच बिल्कुल पूछताछ जांच करना चाहिए जांच एजेंसियों को। मैं एनआईए से अपील करूंगा कि वो रामेश्वर शर्मा से पूछें कि उनके पास ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं, किन किन मदरसों में इस तरह की गतिविधियां चल रही, वो एनआईए को बताएं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।